हम लेकर आएंगे आजादी, हम मर कर लेंगे आजादी, हम कुर्बानी दे कर लेंगे आजादी, हम कुर्बानी दे कर लेंगे आजादी। मुस्लिम भाइयों को बहुत ज्यादा ही एकदम दूर दराज कर दिया गया है। तो आपका देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो NRC लागू करने जा रहे हैं, ये सारा का सारा NRC का खेल है। चालू है माइक। ये सारा का सारा NRC का खेल है। इन लोगों ने क्या किया है, ये NRC लागू करने के लिए और ये पूरे हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए ये गंदा बिल लाए जो लोगों को परेशान कर रहा है। अब इस गंदे बिल को ये सरिये ये 130 करोड़ जनता को परेशान करना चाहते हैं। इसको ये उनके ऊपर ना आए, इसके लिए ये लोग CAB कैब ला के इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि लोग हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में लड़ जाए और 130 करोड़ जनता लोगों को उनके NRC की लाइन में लग के और उनके हाथों में वोट करें। मुझे ये बताया जाए, इस देश में अगर आप देखेंगे तो 70% ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिस तरह का NRC का है नहीं मिले 70% लोगों के पास। आप मुझको ये बताइए, इस देश के अंदर आदिवासी वर्ग है जिनके पास में खुद का डॉक्यूमेंट नहीं, महिला वर्ग है जो कहीं से शादी हो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी ताना साजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।